तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और दिवाली आने वाली है। और दिवाली पे आप कितना ही डेकोरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दीपक के बिना हमारी दिवाली जो है अधूरी। ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन भाई अब जो है लाइफ सबकी बिजी हो चुकी है, जिसके कारण सबके सब लोग आईना की डेकोरेशन लाइट का यूज करते हैं। दीपक लगाने की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसकी जो बत्ती होती है उसको बनाने। भाई उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई है जो घर पे आप दीपक की बत्ती बना सकते हो। भाई इस मशीन को मैंने काफी कम रेट के अंदर और काफी आसानी से बनाया है, जिसके अंदर हमारी जो बत्ती है काफी जल्दी बन जाएगी और हर एक बंदा इसको बना सकता है, ऐसा मैंने इसको बनाया। इस मशीन का फायदा ये है कि हमारे घर के अंदर जब डेकोरेशन लाइट लगाते हैं उतना ही टाइम अब हमें दीपक लगाने में लगेगा। तो हमारा जो दीपक का फेस्टिवल है वो है दिवाली, अब यहाँ पर दीपक का ही यूज करेंगे, ठीक है। डेकोरेशन लाइट का हम कम यूज करेंगे और इस मशीन को आप घर पे जरूर बनाना यार, क्योंकि यार दिवाली जो है दीपक के बिना अधूरी रहती है, ठीक है। चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो भाइयों और बहनों, इस मशीन को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 2 555 मोटर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि मैंने MB बाजार से काफी कम रेट के अंदर परचेस की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर एक MD बोर्ड लेंगे और इन दोनों मोटर को यहाँ पर फिट कर देंगे। इसके दो तरीके, या तो हम इसे ऑनलाइन माउंट को खरीदें काफी महंगी रेट में, या फिर जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उस टाइप से प्लास्टिक सीट से फ्री में घर पे आप बना सकते हो इस माउंट को। तो जैसे वीडियो में आप देख सकते हो मैंने कुछ पीसेस लिए हैं और यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज़ करके यहाँ पर घर पे एक माउंट बना लिया है, जो आप देख सकते हो हमने फ्री में बनाया है और हमारे पैसे बच चुके हैं। इसी टाइप से मैं आपको और भी पैसे बचाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भाइयों यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इस मोटर को फिट करना होगा और यहाँ पर MDF बोर्ड पे सुपर ग्लू के द्वारा इसको चिपका देना होगा यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर एक मोटर को मैंने लगा दिया है, उसी टाइप से दूसरी मोटर को भी इसके लेवल में यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो फाइनली गाइज अब यहाँ पर इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर कुछ MDF बोर्ड के यहाँ पर पीसेस लेने वाला हूँ, और यहाँ पर लेने वाला हूँ फेविकोल। तो यहाँ पर मैं 3 पीसेस को एक्स के ऊपर एक यहाँ पर फिट करूंगा और यहाँ पर इनको अच्छे से चिपका दूंगा। इसी टाइप से मैंने 2 पीसेस लिए हैं 3-3 के यहाँ पर, तो 6 पीस के हो चुके हैं। और इनको यहाँ पर हम एक जगह पर लगाएंगे, उसके बाद में इन दोनों के बीच सेंटर में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, शंकुनुमा, जैसे कि मतलब हमारा जो भंवरा होता है उस टाइप से एक होल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टेप बीट और यहाँ पर कुछ औजार का यूज़ करके यहाँ पर इसका डिज़ाइन बना दिया है, और इन दोनों को हम अलग करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सांचा बन जाएगा। तो भाइयों यहाँ पर इनको बनाने के बाद में हमें इस मोटर के सामने की साइड में इसको लगाना होगा। तो इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी शाफ्ट को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं नीडल का यूज़ करने वाला हूँ गाइस, और ये नीडल आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ पर कपड़े वपड़े के सामान मिलते हैं, जैसे कि सिलाई का धागा मिलता है वहाँ पर। 2-3 रुपये का रेट रहेगा इसका, और यहाँ पर इसको फिट करना होगा। तो अब यहाँ पर इसको फिट करने का सबसे आसान तरीका, कम रेट में तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। 2 रुपये वाला खाली पेन लेना है, उसके बाद यहाँ पर इसका हमें एक टुकड़ा कट करना है और दोनों शाफ्ट में लगाना है, एक तो मोटर की शाफ्ट में और हमारे नीडल जो है उसको आगे साइड में फिट कर देंगे। तो हुआ ना भाइयों, हमारा काफ़ी कम रेट के अंदर, मतलब यहाँ पर मैंने 0 रुपीज़ में, क्योंकि ये हमारा जो पेन है वो तो फेंकने के काम आता है, वहाँ पर आपको काम में ले लिया। इस जगह पर अगर आप मान लीजिए कोई और होता तो यहाँ पर आपको बोलता है कि इसके अंदर हमें चक जो होता है वो लगा सकते हैं, तो चक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर फ्री में काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोनों में मैंने नीडल लगा दी है, एक नीडल यहाँ पर छोटी लगाई है क्योंकि हम यहाँ पर छोटी बत्ती जो होती है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो छोटा वाला नीडल है उसके नीचे की साइड में इस सांचे को मैंने सुपर ग्लू से चिपका दिया है। अब यहाँ पर एक और मैं टुकड़ा लूँगा 1x1 का, और यहाँ पर इसको सुपर ग्लू से चिपका देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर जो आपने देखा हो दरवाजे खिड़की के अंदर कब्जा लगा होता है, उस टाइप का कब्जा लूँगा मैं, छोटा वाला कब्जा है। छोटा वाला नहीं मिलता तो आप कट कर सकते हो किसी बड़े कब्जे को भी इजीली, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कब्जे को हमें क्या करना होगा, ऑटोमेटिक ऑफ करने वाला लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं रबर बैंड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इस रबर बैंड को लगा दूंगा इसके ऊपर, जिससे क्या होगा गाइस, ये जैसे हम खोलेंगे इसको तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक देख सकते हो आप। तो फाइनली गाइस ये हमारा फिट हो चुका है। अब हमारी जो लंबी वाली नीडल है उसके नीचे की साइड में इस टाइप का मैंने एक पत्ती से प्लेटफॉर्म बनाया है, और यहाँ पर बना लेंगे इसको, ठीक है। इसका नाम पता तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि नाम है ही नहीं इसका। अब यहाँ पर एक कंट्रोलर बॉक्स बनाया मैंने, इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हो। एक बॉक्स लिया मैंने, उसके ऊपर यहाँ पर 2 स्विच और यहाँ पर एक फीमेल एडाप्टर जैक लगा दिया है। इसका जो सर्किट है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर पे इसकी मतलब वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। वायरिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर 2 वायर जो निकल रहे दोनों साइड में, इन दोनों को हमें मोटर में फिट करना है। इसकी जो वायरिंग है भाइयों ऐसी है कि हमने यहाँ पर क्या करा है, 2 वायर के बीच में एक स्विच को लगा दिया ताकि इसको ऑन ऑफ कर सके। तो आपको ईजिली आता ही है, और फिर भी नहीं आता तो मैंने इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा दिया था, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। अब इसको चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज़ करने वाला हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MB बाजार से परचेस किया मैंने सारा सामान। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉटन लेना होगा, और कॉटन लेने के बाद में यहाँ पर हमें बनाना है बत्ती।
तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 बार आप बनाओगे तो आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर देख सकते हो आप कि मैंने जैसे इसके ऊपर कॉटन रखा और फाइनली हमारी यहाँ पर हमारी जो है बत्ती यहाँ पर बन चुकी है और इसको निकाल कर हम डायरेक्टली दीपक के अंदर लगा सकते हैं। इसी टाइप से जो छोटी वाली बत्ती यहाँ पर इसको बनाना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप लगभग 10 से 15 अगर बत्ती बनाओगे उसके बाद ईजिली आपको बनाना आ जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो मैंने तो कभी बनाई भी नहीं लेकिन मेरे को फटाफट से यहाँ पर बनाना स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट साइज का हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार नीचे की साइड में थोड़ा छोटा सा है, तो इसमें क्या है कि जो सांचा बनाया था हमने, इसमें जो नीचे वाला हमने पॉइंट शंकुनुमा बनाया था, इसको थोड़ा बड़ी साइज का बनाना है आपको। और बड़ी साइज का बनाओगे तो नीचे का जो पॉइंट है वो भी थोड़ा चौड़ा फैला हुआ बनेगा, ठीक है, ये सांचे के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे उसके ऊपर कॉटन रख रहा हूँ, रुई रख रहा हूँ और फाइनली हमारी जो है बत्ती यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आसान है और इससे भी ज़्यादा आसान है ये लंबी वाली बत्ती बनाना। इसके ऊपर तो बस कॉटन रखा और इसने घुमाया और हमने निकाल लिया, बस मतलब सारा काम जो है हमारा चुटकियों में हो जाएगा। इसी टाइप से हम बहुत सारी बत्ती बना सकते हैं और दिवाली में हमारे लगभग 100, 200, 300 दीपक लगते हैं। हम हमारे एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा दीपक लगाएंगे, उनके अंदर बत्ती लगाएंगे, तेल डाल के हम जलाएंगे। लोग आसपास के लोग सोचेंगे यार इन्होंने इतनी सारी बत्ती बनाई कैसे होगी, लेकिन हमारे पास मशीन है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दिमाग का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मेहनत कम करते हैं और हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा मेहनत करता है। दिमाग से मेहनत करने वाले जो होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं हमेशा। और देखिए भाई बातों बातों में हमें पता भी नहीं चला है, हमारी मशीन भी बन चुकी है और हमारे जो यहाँ पर दिवाली पे काफ़ी आराम से हम बत्ती भी घर पे बना सकते हैं। हमारे जो आसपास के एरिया होगा ना उसमें आप देखना, अगर आपने इस मशीन को बनाया और बत्ती बनाकर आप दीपक लगाओगे बहुत सारे, क्योंकि बत्ती बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके बाद में हमें क्या करना है दीपक लगाना पड़ता है, इसलिए लोग बाग LED लाइट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर यह सबसे आसान तरीका है। फाइनली गाइस आप सभी ने देखा भी कि हमारी मशीन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इसके अंदर जो है हमारा छोटी वाली बत्ती है वो भी काफ़ी आसानी से बन रही है, लंबी वाली और भी ज़्यादा आसानी से बन रही है, ठीक है। छोटी वाली बत्ती के अंदर आपको क्या थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथ से, उसके बाद फटाफट आप यहाँ पे ऐसे ही कॉटन रखोगे उसके बाद निकालोगे हमारा बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा ये वाला प्रोजेक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। इसको जरूर बनाना है क्योंकि डेकोरेशन लाइट जो होती है उसके मुकाबले दीपक की जो दिवाली होती है उसमें काफी ज्यादा अच्छा हमें लगता है, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बेटी।